दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। आज मैं आपको पुनर्वा के बारे में बताऊंगा। पुनर्वा एक जड़ी बूटी है और जिसके क्या क्या फायदे हैं, क्या यूजेज हैं और किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इनका लाभ होता है। तो पुनर्वा, जिसको पत्थरचट्टा भी बोलते हैं गाँव की भाषा में, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो बोरहाविया डिफ्यूजा, जो कि लीवर और किडनी में इसका विशेष रोल होता है। और इसके जो फंक्शन होते हैं, यानी इसके जो कार्य होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन में, एंटी माइक्रोबियल पेट के कीड़ों के लिए, एंटी स्पैस्मोटिक आंतों में स्वेलिंग के लिए, और मेनली जो एनीमिया जैसे जिनको हो जाती है उसमें बड़ा अच्छा रोल इसका रहता है। और किडनी में जो दिक्कतें होती हैं तो लीवर किडनी के लिए और पैंक्रियाज के लिए विशेषकर इसका रोल होता है। और इसमें मल्टी मिनरल्स जैसे कि विटामिन सी, कैल्शियम और प्रोटीन्स एंड आयरन, इस तरह की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जो एंटी ऑक्सीडेंट भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि सूजन को कम करता है। और जैसे इडमा हो जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या पथरी हो गई, पथरी में भी काम करती है, या कार्डियक इफ्यूजन हो गया, या प्लूरल इफ्यूजन हो गया, इन सब चीज़ों में पुनर्वा का विशेष रोल रहता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जो कि कई चीज़ों में काम करती है। जी दिखा दीजिए जरा पुनर्वा रिष्ट। और ये कई रूपों में आता है, जैसे पुनर्वा रिष्ट, ये देखिए आप, अरिष्ट के रूप में होता है, ये है पुनर्वा दिव्य पुनर्वा रिष्ट। पुनर्वा रिष्ट जी, इसका लीवर और किडनी में बहुत अच्छा रोल रहता है। पेट में जैसे गैस वगैरह बनती है लोगों को, पेट में गैस बनना, कब्ज होना जी, पेट साफ ना होना जी, गैस बनना, एसिडिटी होना, इन सब में बड़ा अच्छा रोल रहता है। तो सब जैसे पेट में, जिनका पेट साफ नहीं रहता या पेट खराब ही बना रहता, उनको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जिनका पेट साफ नहीं रहता तो कोलाइटी की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, गैस का ऊपर चढ़ना, जो अपान वायु होती है ऊपर की ओर आने लगती है, इंडाइजेशन होता है, भूख कम लगती है, ये सब सिम्टम होते हैं जी। तो इसमें पुनर्वा बहुत अच्छा रोल करता है जी। और जिनको पथरी हो जाती है किडनी में, किडनी की पथरी में भी इसका बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि डायबिटिक भी होता है जी। और पेट की सूजन है, आंतों की सूजन है, पैरों की सूजन है, सूजन में बहुत अच्छा इसका रोल रहता है। लीवर में कैसे ये काम करती है, क्या इफेक्ट करती है, मतलब लीवर की जो क्रियाशीलता होती है उसको बढ़ा देती है। लीवर की किन किन बीमारियों में मतलब ये सहयोगी है, मतलब अच्छा रिजल्ट देती है? लीवर जैसे एनीमिया हो गई, क्या नाम, जॉइंटिस हो गई, पीलिया और इसको जी, पीलिया हो गई, या हेपेटाइटिस हो गई, हेपेटाइटिस में भी बहुत अच्छा रोल रहता है। मतलब किस उसमें ए बी सी कुछ होता है उसमें? सब में काम करती है। अच्छा, ए बी सी मतलब क्योर कर देगी पूरी तरह? हाँ, इसको अगर लगातार सेवन किया जाए। कितने दिन तक लगभग इसको सेवन करना होता है? अगर हेपेटाइटिस है तो 6 महीने तक लगातार सेवन करना होता है जी। और गुर्दे की जैसे पथरी हो गई जी, तो गुर्दे की पथरी में भी इसको 20-20 ml सुबह शाम। लीवर में सूजन बढ़ जाना और SGOT, SGPT लोगों का बढ़ा रहता हो जाना जी, स्प्लीन यानी किडनी में भी काम करती है, स्प्लीन की बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लीवर सिरोसिस वगैरह में, लीवर सिरोसिस में भी बहुत अच्छा रोल रहता है, एसाइटिस हो गई उसमें भी बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि लीवर सिरोसिस की वजह से एसाइटिस हो जाती है, पेट में पानी भर जाता जी, उसमें भी बहुत अच्छा इसका फंक्शन रहता है। तब मतलब अगर शरीर के किसी भी अंग में, मतलब पानी अगर किसी भी अंग में काम करेगा, या पूरे शरीर में किसी भी अंग में अगर पानी भर जाता है, हाँ, तो उसको ये बाहर निकाल देगा, पेशाब के थ्रू निकाल लेती है। अच्छा, और इसमें विशेष खास बात ये होती है कि इसके सेवन करने से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होती शरीर में। अच्छा, जैसे तमाम सी जो डायबिटिक दवाइयाँ खाई जाती हैं उससे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं पेशाब के रास्ते वो भी निकल जाते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सेवन करने से इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होती है, बाकी जो शरीर में जो दिक्कतें हैं उसको कम कर देती है। और किडनी, जो किडनी के रोग होते हैं उनके, उनमें किन किन चीज़ों में काम आ जाता है? या क्रिएटिनिन वगैरह, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाना, ब्लड यूरिया बढ़ जाना जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, किडनी में पथरी जम जाती है जी, तो उसको धीरे धीरे साफ कर देती है। ठीक है, और इस तरह की मतलब कई तरह की जो दिक्कतें, आंतों में कई तरीके के रोग हो जाते हैं, जैसे स्वेलिंग हो जाना जी, कोलाइटिस की वजह से कोलन में स्वेलिंग आ जाती है जी, तो उसको भी नॉर्मल करती है। इसके मल्टी फंक्शन होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, एंटी माइक्रोबियल भी है, और एंटी एनीमिक एनीमिया हो जाती है उसमें भी बहुत अच्छा इसका फंक्शन है। इसके डॉक्टर साहब, अभी तक तो हमने फायदे के बारे में जाना, इनके कुछ नुकसान भी हैं?
इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, मतलब किसी तरीके से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये हर्बल जड़ी बूटी होती है जी, और इसका कोई इसको स्वस्थ व्यक्ति मतलब एज अ प्रोटेक्शन के रूप में ले सकता है। प्रोटेक्शन के रूप में भी है, जिनको दिक्कत है वो भी सेवन कर सकते हैं। मतलब जिनको दिक्कत है वो तो ले ही सकते हैं, जिनको नहीं है वो भी आप सेवन कर सकते हैं। जो स्वस्थ लोग हैं वो कितने दिन इसको इसका सेवन कर सकते हैं? 3 महीने तक लगातार सेवन कर। अच्छा, फिर गैप देते हैं, बराबर पानी मिला करके खाना खाने के बाद सेवन कर ले, तो उसका जो डाइजेशन है वो भी नॉर्मल रहेगा, पेट भी अपने साफ रखेगा, और लीवर और किडनी का जो फंक्शन है वो भी नॉर्मल करता है, अच्छा बना रहेगा। दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक था। डॉक्टर साहब, इसमें कुछ और भी बताना है आपको पुनर्नवा में? हाँ, इसको बहुत से लोग जैसे हरी जड़ी बूटी जिनको मिल जाती है गांव में, लोग पहचानते हैं पुनर्नवा, जिसको पत्थर चटा बोलते हैं जी, इसकी सब्जी बना करके भी लोग खाते हैं जी, तो उनको भी लीवर किडनी में मोटाइजेशन में बहुत अच्छा इनका लाभ मिलता है। दोस्तों आज तक का वीडियो हमारा इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको जो दी वो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी बीमारी के विषय में डॉक्टर साहब से जानना है तो डॉक्टर साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से नंबर लेकर डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से निःशुल्क परामर्श भी मिलकर ले सकते हैं। डॉक्टर साहब कानपुर से हैं, चिकित्सालय का पतंजलि चिकित्सालय है एक्सप्रेस रोड पर, वहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं। टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो भी है डिस्क्रिप्शन में, कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं, और फ़ोन करने का समय भी मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों समय का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।